मसला जीडीपी का, मसला बेरोजगारी का, मसला उन भयावक आंकड़ों का जिस पर देश में कहां चर्चा हो रही है कहां नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बयान सुनाऊंगा मैं आपको। वो बयान वैसे देश ने सुना हुआ है, देश के प्रधानमंत्री जी का बयान है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान है, प्लीज प्ले करिए। आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन में जीडीपी के जो आंकड़े आए उसको देखकर आपने कहा कि ये जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि देश पटरी पर आ गया। ये मैंने क्यों बयान सुनाया, मैं उसका एक आधार आपको बताता हूं। कुछ और आंकड़े भी हैं, वो भी देश को जानने चाहिए। तो अमीर और गरीब की खाई का जिक्र था ना, वो भी जानना चाहिए और वो आंकड़े देश को जानने चाहिए। कोरोना में 83% जनता की कमाई घट गई और अरबपतियों की संख्या 100 से बढ़कर 142 हो गई। यह आंकड़ा भारत में सिर्फ और सिर्फ 57 अरबपतियों के पास $216 अरब की संपत्ति है। यह नीचे के 70% लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है। आंकड़े जो है वो आपके सामने मैंने रखे, ये गरीब और अमीर की खाई के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जीडीपी का इतिहास क्या है और आंकड़े क्या है वो आप देख रहे हैं, लेकिन अब इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, जहां तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, बड़ा लक्ष्य है और बड़ा लक्ष्य लेकर ही हम आगे चल रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान को एक विकसित देश, एक उन्नत देश और विश्व गुरु बनाना है। वो उस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे, लगातार आगे बढ़ रहे। ये आंकड़े भी तो हैरान करते हैं कि नहीं, अमीर और गरीब की खाई। भाई दुनिया का एक मेजर देश बता दीजिए आपकी जिसमें ये स्थिति नहीं बनी हो, क्योंकि जब कोरोना में लॉकडाउन था उस समय कुछ सर्विसेज बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी और जो लोग सर्विसेज को बेच चुके हैं। ये तो देश के सौभाग्य की बात है कि तीसरे नंबर पर भारतीय ही हैं, है ना, जो सबसे ज्यादा अरबपति, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वालों में हैं, वो तीसरे भारतीय है ना सर। एक बुरी बात है क्या? नहीं बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि भारत में सिर्फ बुरी बात यह है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ 57 अरबपतियों के पास $216 अरब की संपत्ति है, मैंने जिसका जिक्र किया, 70% लोगों की कुल संपत्ति के बराबर। दुनिया के कोई भी देश को उठा के देख लीजिए, जहां पर जहां मार्केट पूरी तरह से ओपन है, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, वहां पर आपको ये चीज दिखेगी हमेशा। देश को पहले यह ट्वीट देखना चाहिए, याद कीजिए, आप सबको याद आया होगा गुरेश जी, वक्त था 14 जून 2022, आप देख रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था 10 लाख नौकरी 1.5 साल में। इस आंकड़े और तारीख का मैंने जिक्र इसलिए किया कि 14 जून 2022 आप देख रहे होंगे, यह ट्वीट देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था और कई लोगों ने तालियां बजाई, थाली बजाई 10 लाख नौकरी का। गुरेश भाई, 10 लाख नौकरी कब मिलेगी यह आज भी प्रश्न बना हुआ है, 9.5 लाख पद खाली पड़े हैं। जून आपने तारीख देखी होगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए, रोड मैप क्या है अभी तक यही सामने क्लियर नहीं हुआ कि आप नौकरी कैसे देने वाले हैं। देखिए, उन्होंने 1.5 साल का कहा है और आप जो है 1.5-2 महीने 3 महीने में ही मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसकी अवधि 1.5 साल है, क्योंकि 2 करोड़ का आपने वादा किया था, इस हिसाब से 14 करोड़ हो गए, वो उसको बीते हुए 8 साल हो गए। प्लीज कंटिन्यू। वो रोजगार का कहा था, वो नौकरी का नहीं कहा था, वो बाकायदा रोजगार मिले हैं, उससे अधिक ही मिले हैं। अच्छा, मिले हैं। चलिए आप मान ले कि ये, आप एक भी आंकड़े को मत माने, जितने आंकड़े अभी सरकार ने सामने रखे हैं, चाहे जीडीपी के किसी चीज के, सबको मत माने, तो यही चाहेंगे ना दीप जी भी और आप, आम आदमी पार्टी भी यही सुनना, तो यही सही। आप एक मिनट, आपने सारे आंकड़ों को तो झुटला दिया, लेकिन मैं ये आंकड़ा खुद का नहीं दे रहा, ये आंकड़ा वरुण गांधी जी ने दिया, आपके सांसद हैं। क्या लिखा उन्होंने ट्वीट में, मैं दिखाता हूं, ट्वीट में उन्होंने लिखा, आप ही के सांसद वरुण गांधी जी ने, ये आपके सामने है ट्वीट में, वो लिख रहे हैं कि युवाओं में रोजगार दर जो है वो 20.9% से घटकर 10.4% रह गई है, ये पिछले 5 सालों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने सभी विभागों से रिक्त पड़े 10 लाख पदों को भरने का आग्रह किया, पर अब तक कोई भी विभाग ठोस कार्य योजना नहीं बना सका, संघर्षशील युवा कब तक इंतजार करेंगे, आप ही के सांसद कह रहे हैं। मैंने तभी रोड मैप का सवाल पूछा था आपसे, ये आंकड़ा मेरा तो नहीं है ना, ये तो खुद वरुण गांधी ट्वीट कर रहे हैं। गुरेश भाई, भाई साहब, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं,
पार्टी के किसी नेता का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप यदि मैं पार्टी के अध्यक्ष के लिए बोलूंगा क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी के किसी सांसद के लिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं तो वरुण गांधी जी ऐसा ट्वीट क्यों कर रहे हैं? अगर वरुण गांधी के ट्वीट पर यकीन नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरी का जिक्र किया डेढ़ साल में, इस ट्वीट पर तो यकीन है ना आपको? आंकड़ा तो ये कहता है साहब कि किसी देश में भी यदि 20% के आसपास यदि बेरोजगारी होती है तो सरकार चेंज हो जाती है, जनता सड़क पे होती है, ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा, इसलिए 42,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की और आत्महत्या करने वालों में से 4 में से 1 दिहाड़ी मजदूर था। नहीं देखिए उसके क्या कारण है, मैं जिस चीज के बारे में नहीं जानता मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ आपके डिबेट में, इसके बारे में मुझे नहीं पता, इस पर जवाब नहीं दूंगा। जानते थे क्या? इरेगा में 26,000 करोड़ का बजट कम किया आपने। नहीं तो ठीक है ना, जब चीजें जब स्वरोजगार बढ़ता जा रहा है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है तो बजट कम करना चाहिए, जब स्थिति खराब होती है बजट बढ़ता है। मैं आता हूँ जीडीपी, जीडीपी का पहला आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली तिमाही जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% का जिक्र आपने किया। अगला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है और यह आंकड़ा बताता है 2019-20 में पहली तिमाही में जीडीपी लगभग 35.5 करोड़, फिर उसके बाद 20-21 में पहली तिमाही में जीडीपी 27 लाख करोड़ के आसपास पहुंचती है, यानी कि घटती है। फिर उसके बाद 2021-22 में पहली तिमाही जीडीपी की लगभग 32.5 लाख करोड़ के आसपास, 2022-23 में पहली तिमाही में जीडीपी आप मान लीजिए लगभग 37 लाख करोड़ के आसपास। अब मुझे एक बात समझाइएगा, 3 साल में 3.8 जीडीपी ग्रोथ हुई, यह तो 4% भी नहीं हुई साहब, यह भी आंकड़ा तो सुखद है। जो आंकड़े आपने दिखाए ना ये बिल्कुल सुखद दिशा में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज के समय हम प्री कोविड लेवल जो था उसको क्रॉस कर चुके हैं, मतलब हमने कोविड की स्थिति को पार कर लिया है, दुनिया अभी तक नहीं कर पाई उसको पार, लेकिन हमने जो कोविड की वजह से स्लो डाउन था 21-22 जो चौथी तिमाही का आप जिक्र कर रहे हैं और 22-23 में पहली तिमाही का जिक्र कर रहे हैं, ये हुई 36 लाख करोड़ के आसपास और वो 41 लाख करोड़ के आसपास, यानी इस हिसाब से 4 लाख करोड़ की जीडीपी गायब हुई। नहीं, गलतफहमी है आपकी। देखिए कभी भी जीडीपी का कंपैरिजन होता है तो वो हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि क्वार्टर वन का इस साल का पिछले क्वार्टर फोर से करें, क्योंकि क्वार्टर फोर जो होता है वो बेसिकली नहीं, मैंने गलत कंपेयर किया एके मिश्रा, नहीं ये कह रहे हैं कि आप चौथी तिमाही से पहली तिमाही का ना कंपेयर मत करिए। नहीं गुरेज भाई, ये मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, कंप्लीट कर लेते। अभी जो क्वार्टर फोर आता है, लास्ट क्वार्टर, उसमें दिवाली भी आती है, उसमें क्रिसमस हॉलीडेज भी आती है, उसमें जो खरीदारी का मौसम आता है तो उसमें एकदम से बल्क में गाड़ियां भी बिकती हैं, सोना भी बिकता है और मार्केट में दिवाली मचती है सर, न्यू ईयर भी आता है, होली भी आती है पहली तिमाही में।